नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। हम लोग जिस समाज में हैं, वहाँ पे जब बेटी की पैदाइश होती है तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन उसी समाज में कुछ बेटी ऐसी है जो दूसरों के लिए जीती है। उनका मकसद ये होता है कि किसी गरीब के आंसू को पोंछा जाए। आज हमारे पास ऐसी ही एक लेडी है जो अपनी एक्टिविटीज से, जो अपने कामों से लोगों के दिलों में बस रही है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका नाम अनीता गुरा है। आइए जानते हैं कि अब वो अपने पॉलिटिकल करियर को कहां तक ले जाना चाहती हैं। धन्यवाद आपको, सबसे पहले आपके चैनल को, जो आप बंगाल से चलकर झारखंड में हमारे निशा में आए हैं, तो आपका स्वागत करते हैं। और रहा सवाल मेरे बचपना का, तो बचपना मेरा सिंदरी विधानसभा मायके पड़ता है और एक शिडुल बस्ती है आमटाल, वहीं मेरा पैदाइश है, वहीं से बड़े हुए हैं। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ है? गांव के स्कूल। गांव के स्कूल। सरकारी। आप लोग कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपको आना है, आप तो यहाँ की बहू थी, कब लगा था आपको पॉलिटिक्स में आना है? एक्चुअली हमारे फैमिली के साथ में इस तरह से हम लोगों को जलील किया जाता था, किसी भी काम को करने के लिए इतना बाधा हम लोगों को टॉर्चर किया जाता था, इतना बाधा का सामना करना पड़ता था, जिससे लगा कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और वो कहते ना, ठोकर खाने के बाद ही सही रास्ते पर आते हैं, तो ठोकर खाते खाते आज यहाँ तक आ गए। अब तो आप मुखिया भी बने हो और हम लोग देख रहे कि जो लोगों को दर्द होता है उसके पास में आप खड़ा होते हैं, लोगों के आंसुओं को जब पोंछती हो तो कैसा लगता? एक्चुअली दर्द क्या है ये हमें पता है, क्योंकि हम भी गांव घर से, मायका भी रहा है और ससुराल भी हमारा गांव घर में है, तो गरीब का कष्ट जो होता है वो हम लोग समझ पाते हैं। और सच में जब किसी गरीब को थोड़ा मदद करते हैं तो दिल खुश हो जाता है, लगता है कि हाँ हमने मदद किया है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसलिए अब आगे बढ़ने में अच्छा भी लग रहा है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप डरती नहीं हो, बेखौफ पॉलिटिक्स करती हो, तो ये जो पॉलिटिक्स करते हैं तो घर घर में किन लोगों को सपोर्ट आपको मिलता है, जो ताकत देता है? हाँ, हूँ झारखंड में निरसा में, तो बस उन्हीं की इच्छा अनुसार मैं चलती गई और आज यहाँ तक। आप तो घूमते हुए इलाके में, खासकर विशेष में हम लोग जो देखते हैं निरसा जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, इसका पोल्यूशन नहीं हुआ होना चाहिए? देखिए निरसा में आज से 20 साल पहले तक इतने बड़े बड़े कारखाने थे, जैसे कि हैरी फैक्ट्री हो गया, करमपुरा फैक्ट्री हो गया, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे कारखाना था कि यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाते थे। और सारे के सारे आज के MCL, हैरी फैक्ट्री, उसके बाद डॉन बॉस्को, सारे कंपनी, सारे इंडस्ट्रियल बंद हो चुके हैं, जो खुलना अति आवश्यक है। इसको जब भी इलेक्शन आता है, हमारे विधायक अरूप चटर्जी इलेक्शन के समय बोलते हैं खोल देंगे, लेकिन हाँ सच में खोल दिए हैं, वो ईंट ईंट तक फैक्ट्री का खुलवा दिए हैं, जो हमारे निरसा विधानसभा के लोग बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अब रहा बात समस्या का, समस्या सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ दो दो डैम है, पानी का जो हमारे पास जलाधार है, मुझे नहीं लगता है कि अगल बगल के किसी 5-6 विधानसभा में है, मैथन डैम, पंचित डैम, जिससे निरसा को पानी नहीं मिलता है। आज तो मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी, जो हमारे PM हैं, कि उनके देन से, उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर पाइपलाइन का काम हो रहा है, जो 1-2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, घर घर में पानी आएगा। आने वाले दिनों में आपके CM यहाँ पर आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कैसे चल रही है? जी 16 तारीख को उनका यहाँ पर आगमन है, जोहार जन आशीर्वाद यात्रा, जोहार आशीर्वाद जन यात्रा, जनता से वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं जनता को कि उन्हें फिर से आशीर्वाद मिले और वो फिर से मुख्यमंत्री जी बने। उसके लिए हमने जगह जगह बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार बनाया है उनके स्वागत के लिए, और उनके स्वागत में कहीं किसी तरह का कोई कमी नहीं होने देंगे हम लोग। और हजारों मोटरसाइकिल की रैली के साथ में हम उनका स्वागत करेंगे, उनकी स्वागत में किसी तरह की कोई कमी निरसा विधानसभा में, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिला हो, पुरुष हो,
और झारखंड सरकार, मोदी सरकार के जितने भी लाभार्थी हैं, सारे लोग उनका दिल से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और इस निरसा से लालगढ़ का नाम मिटाएं और भाजपा का रंग लहराए। आने वाले दिनों में इलेक्शन है विधानसभा का, क्या लगता है निरसा से इस बार हम लोग बीजेपी का एमएलए देख पाएंगे? बिल्कुल, इस बार निरसा का एमएलए बीजेपी का निश्चित तौर पर 200% कंफर्म है। कहा जाता है कि यहाँ गुरुपाजी बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके मन में जो है वो तो कहेंगे ही, किसी तरह का कोई गुरुबाजी नहीं है। तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? लोग वोट इसलिए देंगे कि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रहने वाले हैं और निरसा विधानसभा एक बंगाली विधायक के रूप में लाइफ टाइम जब से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे बंगाली ही विधायक हुए हैं, हुआ कर रहे हैं, आज भी बंगाली विधायक हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सरकार का, जो भी आला अधिकारी का डिसीजन होगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार होंगे और निरसा की जनता निश्चित रूप पर भाजपा को वोट देगी, क्योंकि जो भाजपा सरकार ने किया है आगामी इतने सालों से किसी सरकार ने नहीं किया। आना चाहते उनको आने नहीं दिया जाता, उसके लिए ये बहुत गलत बात है। अगर महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 50% आरक्षण सरकार ने महिलाओं को दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, हर माध्यम से, मतलब आज रजिस्ट्री हो रहा है तो महिलाओं के नाम से हो रहा है, राशन कार्ड की मुखिया अगर है तो महिला है, उसके बाद शौचालय महिला के नाम से, पीएम आवास महिला के नाम से, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार मदद कर रही है तो गांव घर के लोग क्यों नहीं मदद करेंगे? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी तब तक महिला का घर अच्छा से नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सभी भाइयों से, पुरुषों से आग्रह होगा कि अपने अपने परिवार को, बच्चों को शिक्षित करें और राजनीति में नहीं बल्कि हर संगठन में, हर काम में महिलाओं को आगे बढ़ाएं। ये जो एरिया है, ये ग्रामीण एरिया है, ऐसा कोई ड्रीम है जो आपने देखा हुआ चाहते हो कि इस इलाके में किया जाए? बिल्कुल, जैसे कि मेरा ही क्षेत्र है, निरसा दक्षिण क्षेत्र है और यहाँ पर पहले कोई नेता आते नहीं थे, किसी तरह का कोई विकास हुआ नहीं था। जब से मैं मुखिया भी हूँ, मेरे हस्बैंड जिला परिषद के चेयरमैन हैं धनबाद से, तो हम दोनों ने भी बहुत कुछ प्रयास किया है और अगर मुझे उस तरह का निरसा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं और भी चाहूँगी आगे के लिए कि निरसा में, निरसा दक्षिण, पूरे निरसा में अच्छे से विकास हो। लेकिन जहाँ विकास नहीं हुआ है, जो सड़कें हैं, तीन तीन हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बनी हुई हैं, 100 सीट की हॉस्पिटल है लेकिन चालू नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो इन सबको चालू करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भरपूर प्रयास करूँगी। एक्टिव लेडी पॉलिटिक्स है, जिसको देख के लगता है कि आपको ऐसा बनना है, वो ना कोई इंस्पायर करती है, किसी भी पार्टी के हो लेकिन लगता है इनके अंदर कुछ है जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कोई आपको लेडी जयललिता? जयललिता जो आज नहीं है और सुषमा स्वराज स्वर्गीय, उनकी तो कुछ ऐसे ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है। अगर मुझे लगता है कि हम अगर राजनीति में नहीं आते तो मेरा जो पैदाइश है, हमने जो जन्म लिया है इस धरती पर इंसान के रूप में, ये बेकार हो जाता। उन लोगों को देख करके बहुत ही प्रेरणा मिलता है कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए समाज के लिए, कुछ करना चाहिए। गाँव से भी महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे देखकर बहुत सारी महिलाएं एक्टिव होती हैं, आगे बढ़ती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो पीएम है वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत एक्टिव पीएम है, देश को बहुत आगे बढ़ा है, उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन ऐसी कुछ खूबी उनकी जो आपको बहुत अच्छा लगता? पहले तो मैं उनके चरणों को प्रणाम करूँगी और उन्हें सलाम करती हूँ, माननीय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि इतने पीएम आए लेकिन किसी ने पीएम का नाम नहीं जाना, और ये एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आए जो बच्चा बच्चा के मुंह पर मोदी 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 हो गए, तो उनमें क्या बात है
हो सकता है कि उनकी पत्नी जो दिन रात पूजा करती है, इतनी अभी जस्ट हमारे निरसा में उनका मतलब आगमन हुआ और कल्याणेश्वरी मंदिर गई थी, तो उनका पूजा का उनका आराधना का ये हम लोगों ने देखा, तो ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं इन्हीं की देन, इन्हीं की दुआ उन्हें लगती हो और साक्षात राम भगवान का रूप उनके अंदर में है, तभी वो इतना कर पा रहे हैं। 4 घंटा सोना वो आज जो 70 साल तक नहीं हो पाया था, ये कश्मीर की लड़कियां से हिंदुस्तान के लड़के शादी नहीं कर पा रहे थे, वहाँ हमारे लोग 1 इंच जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, वहाँ का पूरा रूल रेगुलेशन ही अलग था, उसे चेंज कर दिया। और इलेक्शन के समय आपने देखा हमारे जांबाज सिपाही जो सेना उनका अभिनंदन, किस तरह से उनका अभिनंदन हुआ, ये सब मतलब क्या बोलते हैं, एक वो महान पुरुष ही कर सकते हैं, उनमें बहुत क्वालिटी है, उसको समेटा नहीं जा सकता, उनके पास जो क्वालिटी है इसकी तो हम बयां ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलिए, चलते चलते आखिर में अब आने वाले फेस्टिवल है आपका, छठ है, दीपावली है, उस अवसर पर लोगों को मैसेज दे दिया। चलिए पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को, निरसा वासियों को, जो हमारा दुर्गा पूजा पार हो गया और दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा आ रहा है, इसकी अशेष अशेष शुभकामनाएं। सारे समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाएं।